It has been moved the bill further to amend Society Registration Act 1816. The Society's Registration Amendment Bill 2024 be passed. 225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम मंजूर, हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली में दो तहाई अक्सरियत साबित करने में कामयाब। बिल पास करने के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार थे। बिल के हक में 225 अरकान ने वोट दिया, 12 ने मुखालफत की। आज़ाद अरकान चौधरी लियास, उस्मान अली, मुबारक जेब, औरंगजेब खिची और जहूर कुरैशी ने भी हुकूमत को वोट दिया। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी शिकवार ली गई। इब्तदाई दो शिकों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। बाद में अपोजिशन अरकान बायकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। शिकवार मंजूरी मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। ऐवान सदर में तकरीब कुछ देर बाद। तरमीम के बाद अब आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तायुन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईन की तशरीह आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लियामानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस चुनेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लियामानी कमेटी बनेगी। तमाम पार्लियामानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत नहीं दे सकती। हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल किया जा सकेगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगा। ये एक तारीखी दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक़ राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, वो ये ज़ोमा उनकी पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने, उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। नाइब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आईनी तरमीम से नया सूरज तुलू होगा, मुल्क का मुस्तकबिल मुस्तहकम और मजबूत होगा, अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा, कौमी यकजहती और इत्तफाक़े राय की मिसाइल कायम हुई है। आईनी तरमीम की मंजूरी में किसी लोटे का वोट नहीं। पीटीआई वोट करती तो अच्छी बात थी। अरकान ने जाती अना और जाती मुफाद को पसे पुष्ट डालकर तरामीम की। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज्ब इख्तलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाजे में यरगमाल न बनाया जाए बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, मियाँ शाहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। सरबरा जजुआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं, यहाँ झगड़ा तरमीम का नहीं शख्सियात का है। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। एक जज से हुकूमत घबरा रही थी तो एक से अपोजिशन। तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार भी रहा। 18वीं तरमीम में ऐवान को इख्तियार दिया, 19वीं में वापस ले लिया गया। तरमीम का इब्तदाई मुसवदा 56 निकात पर मुश्तमिल था, काट छांट के बाद 22 निकात पर आ गया। इब्तदाई मुसवदे में ऐसी तरामीम थी जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। जलसे और जुलूस जमहूरियत में सबका बुनियादी हक है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ जुल्म हुआ तो फ्रंट लाइन पर होता हूँ, आज बानी पीटीआई पर सख्तियों पर भी फ्रंट लाइन पर हूँ। इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप, जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक नहीं मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया।
वो काला सांप हमारा इफ्तखार चौधरी वाला अदालत है। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब एक आमिर जज लगा रहा था, किसी ने उसका रास्ता रोका, 58-2 भी खत्म किया, तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए वो 58-2 भी वापस अपने पास ले लिया। वक्त साबित करेगा हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, बोले डिक्टेटरशिप में सफे अव्वल किरदार अदालत का रहा। वर्दी में सदर का इलेक्शन लड़ने की इजाजत अदलिया ने दी। अदलिया अपना इख्तियार आइन और जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए इस्तेमाल नहीं करती। एक वजीर आजम को खत न लिखने पर घर भेज दिया गया। काले सांप ने एक नहीं कई वजराए आजम को फारिग कराया। काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। हमने 58-2 निकाली तो अदलिया ने उसका इख्तियार अपने पास ले लिया। 26वीं आईनी तरमीम पर जितना मुमकिन था इत्तफाक राय कराया। 99.99% एतराजात पीटीआई के थे जो दूर कर दिए गए। बिल की कामयाबी में सबसे ज्यादा किरदार मौलाना फजलुर रहमान का था। आला अदलिया में जजेस की तकर्री का अमल शफाफ बनाने की कोशिश की। एतहादियों और अपोजिशन से तफसीली मुशावरत के बाद ऐवान में आए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का आईनी तरमीमी बिल पेश करने के बाद सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 19वीं आईनी तरमीम उजलत में मंजूर की गई, जिसने आइन को तवाजुन को बिगाड़ दिया। गुज़श्ता 14 साल में आला अदलिया में जजेस की तकर्री हमेशा तनकीद का निशाना रही। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला की तमाम तंजीमों ने जजेस तकर्री के अमल पर नज़रसानी का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मैसा के जमहूरियत के बहुत से निकात पर अमल हो गया, जिसमें बड़ा मुतालबा आइनी अदालत का था। गैर आइनी ताकत लेके, गैर आइनी इख्तियार लेके ये वोट को, जो वोट सेलेक्ट होके यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको इख्तदार मुंतकिल हो रहा है। जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे नु लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा। इनको मौका दिया जाके अपने लीडर को मना लें। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियट का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया हुआ। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले आईनी तरामीम की मंजूरी वोट को इज्जत देना है, वोट को इज्जत जजेस नहीं पार्लियामेंट देती है। ये 17-18 लोग आसमान से आए हैं कि इनका एहतिसाब नहीं हो सकता। इन 17 लोगों से इक्तदार लेकर ऐवान को मुंतकिल किया जा रहा है। फौज का चीफ 5 लोगों के पैनल से चुना जाता है, अदलिया का चीफ 3 लोगों के पैनल से चुना जाएगा, तो कौन सी कयामत आ जाएगी। कहा जा रहा था अक्टूबर में हमारा लीडर आ रहा है, अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा। ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाले मेन्यू पर भी तनकीद की। अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आईनी तरामीम को आवाम की हिमायत हासिल नहीं। कायदे हिजब इख्तलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, यह अदलिया का गला घोटने की तरामीम है। जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 से 3 अरब रुपए, पीटीआई अरकान को हरासा करके हकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। आज का प्रोसेस एक बदबूदार प्रोसेस है। धांधली से बनी हकूमत आईनी तरामीम नहीं कर सकती। पीटीआई इन आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं। बरिसर गोहर बोले, तरामीम के मुताबिक अदलिया आज़ाद होगी, असल में अदलिया को महकूम बना दिया गया। चॉकलेट की कोटिंग करके आवाम को जहर दिया जा रहा है। हमें दिए गए मुसवदे और पेशकर्दा मुसवदे में फ़र्क है, यह आवाम और पार्लियामेंट दोनों के साथ फ्रॉड है। मखसूस नशस्तों के बगैर आईनी तरामीम नहीं हो सकती। ये वो आईन है जिसके इब्तदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। एक चॉकलेट की कोडिट करके आवाम को जहर दे रही है। ये ईवान इसके रूल्स 156 के मुताबिक उस वक्त तक आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना हो गई हो। सेनेट में आईनी तरमीमी बिल के हक में 65, मुखालफत में 4 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 64 वोट दरकार थे,
हुकूमत को मिलने वाले 65 वोटों में 23 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 19 मुस्लिम लीग नवाज, 5 जमियत उलमाए इस्लाम के शामिल, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, मुतहदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी के 3-3 वोट भी बिल के हक में पड़े। 4 आजाद अरकान और बीएनपी के 2 सेनेटर्स ने हुकूमत को वोट दिया। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 1-1 सेनेटर ने भी तरमीम के हक में वोट डाला। तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ JUI की तजवीज करदा शिकों को वोट दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए। तहरीक इंसाफ के जाहिर करदा खर्चात के बरक्स कोई भी PTI सेनेटर मुनहरिफ नहीं हुआ। 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे की भी शिक सेनेट से मंजूर। ऐवान बाला में 26वीं तरमीम के बिल पेश हुआ तो सेंटर कामरान मुर्तजा ने तरमीम शिक बिल में शामिल करने की तजवीज़ दी, जिसमें कहा गया था कि सूद को जनवरी 2028 तक मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। JUI की तरमीम शिक को इतफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सेनेट ने पाकिस्तान से सूद के खात्मे की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। मखसूस लॉबी को खुश करने के लिए तहरीक इंसाफ के किसी भी सेनेटर ने इस करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में दिलचस्प शेर, कहा, नाजो अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब भी पीता हूं तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। मौलाना फजल रहमान ने मुस्कुराते हुए नवाज शरीफ की गलती की निशानदेही कर दी। बोले, शेर मौके की मुनासबत से है लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। नवाज शरीफ की तस्दीक करते हुए, जहर भी देते हैं तो पीना होगा की जगह जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, दुरुस्त शेर है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर सुनाया तो अदालत की तौहीन की। मुल्की इस्तेकाम के लिए इस तरह की एक आईनी तरमीम की जरूरत है। यह आईनी तरमीम हम जब मंजूर कर लेंगे तो फिर हमारी भरपूर तवज्जो फिर डिलीवरी और परफॉर्मेंस के अलावा हमारे पास उसके लिए कोई बहाना नहीं होगा कि हमारे काम करने में कुछ रुकावटें हैं। हम 18वीं तरमीम एक लैंडमार्क थी, बड़ी जमातों ने भी इत्तफाक किया और सूबों को खुद मुख्तारी दी गई। तरमीम के बाद अवामी मसाइल हल ना करने में कोई बहाना नहीं होगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, मुल्की इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम का साथ दिया। माजी की तरमीम के बाद विफाक से इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। अगर शहरी हुकूमतें बाइख्तियार नहीं तो अरकान पार्लियामेंट से काम लेना मुश्किल है। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार करना वक्त की ज़रूरत है। फेज 2 में जल्द 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान में पेश किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गेलानी की कौम को मुबारकबाद, कहा, पीपल्स पार्टी अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए अरसाए दराज से काम कर रही थी, आज शहीद बीबी का एक और ख्वाब पूरा हुआ। वजीर आजम बिलावल भुट्टो और इतिहादी जमातों का किरदार काबिल तहसीन रहा। कानून साजिश से न सिर्फ अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी बल्कि 4 सूबों के आला अदलिया के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। कायदे ऐवान नायब वजीर आजम सैनिटर इसहाक डार की भी मुबारकबाद। सेनेट में खिताब के दौरान कहा, वजीर आजम और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बड़ी कमिटमेंट के साथ काम किया। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल एजेंडा है जो पूरा हुआ। एक डॉक्यूमेंट हुकूमत ने तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट में 80 से ज्यादा तरामीम थी। उसका मकसद क्या था कि जो हम सबके बुनियादी हकूक हैं वो साइड पे किए जा सकते हैं किसी भी बहाने से, और अगर वो हमें किसी को उठा के अरेस्ट कर लिया जाए तो ये भी था कि आप किसी अदालत के पास भी नहीं जा सकते।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर सेनेट इजलास में बरस पड़े। ऐवान से खिताब में सेनेटर अली जफर ने शिकवा किया कि लोगों पर दबाव डाला गया। आइन कौम को मुतहद करने के लिए इतफाक राय से बनाया जाता है, तरमीम भी इतफाक राय से होती है। रजामंदी से ना बनने वाले आइन मर जाते हैं। या आइनी तरमीम लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही। ऐवान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल को पढ़ा तक नहीं, जोर ज़बरदस्ती से डलवाए गए वोट जुर्म तसव्वुर होंगे और आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी तरमीम जमहूरियत पर धब्बा कहलाएगी। हमला नहीं है, ये कोई बार बार कहा जा रहा है काला सांप था, देखिए जी नाक था, तो हम नाक के सामने बीन नहीं बजाते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, हम उसे वहीं खत्म करते हैं। जी काला नाक खत्म किया गया, अगर था तो वो खत्म किया गया। कैसा हमला, कौन सा काला नाग, हमने तो नहीं देखा। शेरी रहमान ने तमाम इकदाम मुल्क कौम के मुफाद में करार दे दिए। कहा जजिस तकर्री में पार्लियमान का किरदार अदलिया पर वार नहीं। बिलावल भुट्टो ने कोई सियासी खला नहीं छोड़ा। अच्छा होता अगर पीटीआई भी सिफारिशात ले आती। मौलाना अताउर रहमान बोले इस मुल्क को आज तक किसी ने बचाया है तो वो आइन है। हुकूमती मुसविदे पर तरामीम मंजूर होती तो बहुत खतरनाक सांप था। जेयूआई ने इस सांप के दांत तोड़े। एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले पूछा जाता है कि तरमीम में आवाम का क्या फायदा, अदलिया का निज़ाम बेहतर होगा तो क्या ये आवाम के मुफाद में नहीं। अदालतों में आम लोगों के केसेस की समाअत तेज होगी। पाकिस्तान को जरूरत है फाइज ईसा जैसे जजेस की, पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की जरूरत नहीं है। पीटीआई नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे। कहा था कुछ भी कर लें पीटीआई हमायत नहीं करेगी। एएनपी सेनेटर अमल वली का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले अली जफर ने हर मीटिंग में लेक्चर सुनाया, अब कहते हैं हिस्सा नहीं बनेंगे। अदलिया को फाइज ईसा जैसे जजेस की ज़रूरत है, लाहौरी ग्रुप की नहीं। सवाल किया जजेस हुकूमत तायनात नहीं करेगी तो कौन करेगा। सेनेटर इलामा राजा नासिर ने कहा पीटीआई जैसी जमात साथ नहीं देगी तो तरमीम मुतनाज़े कहलाएगी। सबको मालूम है कि किस किस को दबाया जा रहा है। बेनज़ीर जिंदा होती तो वो कभी अगवा करके आइन साजी की हिमायत ना करती। पहली बार उजलत में तरमीम कराने की कोशिश की गई तो बहुत से सवाल उठे। मुशावरती अमल में अलामा नासर अब्बास की मौलाना फजल रहमान के किरदार की तारीफ, कहा मौलाना को और वक्त दिया जाता तो मजीद बेहतरी आती। इक्कीस तारीख का वादा किया था पूरा हो गया। पहले तारीख पे तारीख और अब तरमीम पे तरमीम और तरक्की पे तरक्की होगी। फैसल बाबदा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनकी हर गाड़ी की डिग्गी में अलग अलग चीज है, केक भी है, कहीं पर परिंदे होंगे। सियासी बोनों का कद कभी बड़ा नहीं होता, खतरात रहते हैं, खतरों से खेलना खिलाड़ी का काम है। आइनी तरमीम के हक में वोट देने पर सरबरा बीएनपी का एक्शन। अख्तर मेंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो से इस्तीफा मांग लिया। कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर दोनों सेनेटर्स इस्तीफा दें, फौरी मुस्तफी ना हुए तो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। दोनों आलमी इदारों के हुकाम से मुलाकातें करेंगे।